गोपी की सास कोकिला गोपी से बहुत नफरत करती थी, लेकिन अपने बेटे अहम की वजह से वह उसे कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन गोपी अपने परिवार वालों को खुशखबरी देती है कि वह माँ बनने वाली है। सभी परिवार के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन कोकिला के मन में गोपी के लिए जो नफरत रहती है वह वैसी की वैसी ही रहती है। सभी लोग गोपी की बहुत देखभाल करते हैं। गोपी को अब 9 महीने पूरे होने वाले रहते हैं। एक दिन सभी परिवार वाले घर से बाहर जाते हैं और घर में सिर्फ कोकिला और उसकी बहू गोपी ही रहती है। तभी अचानक से गोपी के पेट में बहुत दर्द उठता है। गोपी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कोकिला यह सब देख ही रही थी, लेकिन कोकिला के मन में गोपी के लिए बहुत नफरत रहती है, तो वह गोपी को वैसे ही दर्द में छोड़ वहाँ से चली जाती है। गोपी दर्द से चिल्लाती रहती है। थोड़ी देर में कोकिला का मन पिघल जाता है और वह अपनी बहू गोपी को हॉस्पिटल लेके जाती है। रास्ते में काफी बारिश हो रही होती है, फिर भी वह बारिश और तूफान का सामना करते हुए अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में जाके गोपी एक बच्चे को जन्म देती है। यह देख के कोकिला काफी खुश हो जाती है। तभी गोपी कोकिला से कहती है, माँ जी, यह सब आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से हो पाया। यह सब सुन के कोकिला काफी खुश हो जाती है और उसके मन में गोपी के लिए जो नफरत रहती है वह खत्म हो जाती है और वह दोनों सास बहुएं बड़े ही प्यार से रहने लगती है।